राधे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं सोनल, आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाऊंगी मैगी मसाला। मैगी बनाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन मैं इसे बनाऊंगी थोड़ा डिफरेंट तरीके से, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक टमाटर लिया है, इसको मैंने बारीक काट लिया। फ्रोज़न मटर लिए, आप नॉर्मल मटर भी ले सकते हैं। एक गाजर को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। एक हरी मिर्च को भी मैंने बारीक काट लिया है। मैंने यहाँ पर दो मैगी के पैकेट लिए हैं और दो टेस्ट मेकर लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे, उस पर कढ़ाई रखेंगे और दो बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। इस तेल के गर्म होने के बाद मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है। मैंने यहाँ पर लहसुन और प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो आप इस लहसुन प्याज को काटकर पहले लहसुन को डालिए, फिर आप प्याज को भूनिएगा। तो मैंने हरी मिर्च डालने के बाद इसमें टमाटर को डाल दिया है। टमाटर को हम 2 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे, जब तक ये नरम ना हो जाए। इसके बाद हम गाजर को डाल देंगे। गाजर बहुत ही जल्दी नरम हो जाती हैं, इसलिए 1/2 से 1 मिनट इन्हें भी हम पका लेंगे। गाजर के नरम होने के बाद हम मटर डाल देंगे। तो गाजर अच्छे से पकाते हुए अब हम मटर डाल देंगे। ये वाली फ्रोजन मटर है, इसलिए इनको पकाने में अधिक समय नहीं लगेगा। अगर आपने नॉर्मल मटर लिए हैं तो उनको आप पहले उबालकर फिर डाल सकते हैं। तो इनको हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे, जिससे ये सभी सब्जियां अच्छे से नरम हो जाएंगी। आप इसमें कड़ी पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्टिंग में तेल गर्म होने के बाद आप उसमें कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कड़ी पत्ता नहीं लिया है क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, धनिया मिर्च देखते हैं तो उसको निकालने लग जाते हैं, तो मैंने इसका यूज़ नहीं किया है। अब हम बेसिक से मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक लिया है। नमक आप कम ही लें, क्योंकि ना जो टेस्ट मेकर होता है उसमें नमक होता है, इसलिए नमक का इस्तेमाल आप थोड़ा कम ही करें। अब सभी सब्जियों को अच्छे से पकाते हुए सभी मसाले जब पक जाएं तो इसमें 2 पैकेट मैगी मसाला आप डाल दीजिए। अब इनको अच्छे से मिला लीजिए। हमने पूरी कुकिंग को लो फ्लेम पर ही किया है, जिससे हमारे मसाले नहीं जले। अब ये अच्छे से हमने मिला लिए हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 पैकेट मैगी ली है, तो 2 पैकेट के हिसाब से हमें 2 कप पानी डालना चाहिए, लेकिन हमने कुछ वेजिटेबल भी लिए हैं इसलिए हम 1/2 ग्लास पानी और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। पानी डालने के बाद हम गैस की फ्लेम को हाई कर लेंगे, क्योंकि हमें ये तब तक पकाना है जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए। तो आप 2 कप पानी में अगर मैगी बनाएंगे तो सब्जियों के अकॉर्डिंग आप 1/2 ग्लास पानी और डाल लीजिए। मैंने इसमें 2 पिंच हींग डाली है, क्योंकि मैगी मैदे की बनी होती है, इसलिए इसमें हींग डालना भी ज़रूरी है। हींग का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। अगर आप नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने गैस की फ्लेम को हाई कर लिया है। हाई फ्लेम पर अब हम इसमें एक उबाल दिलाएंगे। तो बस उबाल आने वाला है, तो हम इसे 1 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। कुछ देर बाद हम चेक करेंगे तो हमारे जो भी वेजिटेबल वाला पानी था उसमें है ना एक उबाल आ चुका है। तो अब हम इसमें जो भी मैगी है उनको छोटे छोटे पीसेस करके डाल देंगे। अगर आप पीसेस नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही 2 पीस करके डाल सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे होते हैं वो अच्छे से नहीं खा पाते, इसलिए मैंने इनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया है। अब इस मैगी को हम वेजिटेबल वाले पानी में अच्छे से मिलाएंगे, जिससे ये अच्छे से गल जाएगी। आप जब भी बच्चों के लिए है ना मैगी बनाएं तो उसमें वेजिटेबल डालना ना भूलें, क्योंकि वेजिटेबल डालने से थोड़ी हेल्दी हो जाती है। क्योंकि बच्चे इस बहाने से गाजर मटर टमाटर या आप और भी है ना जो भी आपको पसंद हैं सब्जियां उनको भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैगी आप ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी बनती है और खाने में भी बहुत ही अच्छी होती है। तो 1 मिनट तक हमने इसे ओपन पकाया है। अब हम गैस की फ्लेम को थोड़ा लो टू मीडियम करने के बाद इसे 1 मिनट ढककर पकाएंगे, जिससे इसमें जो भी पानी होगा वो पूरी तरीके से सूख जाएगा। तो कुछ देर बाद हमने चेक किया तो मैगी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई है। इसमें जो भी पानी था वो अच्छे से सूख गया है और मैगी देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है।
आप देख सकते हैं कि मैगी कितनी अच्छे से बन के तैयार हुई है। अगर आप प्याज या लहसुन खाते हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। मैगी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। हमने 1 मिनट इसे पानी में और 1 मिनट ढककर पकाया था, तो टोटल 2 मिनट लगे हैं। बिना लहसुन प्याज के भी आप मैगी बहुत अच्छे से बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैगी बनने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। मैगी देखने में जितनी अच्छी है, खाने में उतनी ही टेस्टी है। तो अब हम एक सर्विंग प्लेट लेंगे और इसे सर्व करेंगे। जब भी आप बच्चों के लिए बनाएं तो वेजिटेबल डालना बिल्कुल भी ना भूलें, ये आपके घर में सभी को पसंद आएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।